हेलो एवरीवन, आज मैं आ चुका हूँ आपके लिए लेकर के एक एयर ड्रॉप वीडियो, जिसमें कि हम कुछ ट्रांजैक्शंस करेंगे और आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमें एयर ड्रॉप मिल जाए अगर इन एक्सचेंजेस ने अपना एयर ड्रॉप लाए तो हम उसके लिए पहले ही एलिजिबल हो जाएं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि यूनिस्वैप 1 इंच DYDX सबसे बड़ा एयरड्रॉप जो हुआ है, जिन्होंने किसी ने भी वहाँ पे अगर एक भी ट्रांजैक्शन करी है तो उसको मिनिमम $4,000 का एयरड्रॉप मिला एक ट्रांजैक्शन पे। क्या फीस लगी होगी, $50 या $60 ईथर बस, और उसमें उनको $4,000 का एयरड्रॉप मिला मिनिमम, और कईयों को तो $1,00,000 का एयरड्रॉप रिसीव हुआ है वहाँ से। तो हमें क्या करना है, हमें भी फॉर फ्यूचर में जो भी एयरड्रॉप आएंगे उससे पहले हमें कुछ जो एक्सचेंजेस, हाँ, जिस पे लगता है यहाँ पे 95% से ऊपर चांसेस हैं इन एक्सचेंजेस पे एयरड्रॉप आने के, बट है स्पेकुलेशन, अभी कुछ फाइनल नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कैसे आपको इनमें पार्ट लेना है। मैंने कैसे स्टार्ट कराया, मैंने क्या करा था, फर्स्ट ऑप्टिमिज्म में गया, ऑप्टिमिज्म पे आता हूँ, ऑप्टिमिज्म पे अपना मेटामास्क ऐड करके मेन से मैंने क्या करा, मेन से मैंने डिपॉजिट कर दिया ऑप्टिमिज्म एथेरियम में ईथर। तो इस पर जब आप करोगे डिपॉजिट तो आपकी $50 से $60 के अराउंड आपकी फ़ीस कटेगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे जब डिपॉजिट हो जाएगा, इसको 10 मिनट लगेंगे मैक्स टू मैक्स, 10 मिनट के अंदर अंदर आपका लेयर टू पे मेन नेट से लेयर टू पे ऑप्टिमिज्म में आपका ईथर आ जाएगा। उसके बाद आने के बाद आपको क्या करना है, आपको आना है यूनिस्वैप पे, यूनिस्वैप पे आओगे, यूनिस्वैप पे आने के बाद आपको अपना मेटामास्क कनेक्ट कर देना है। मेटामास्क कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्टिमिज्म सेलेक्ट कर लेना है, क्लिक करोगे स्विच नेटवर्क आएगा, खुद ही यहाँ पे नेटवर्क ऐड हो जाएगा। ऑप्टिमिज्म में आएंगे और ईथर से आपको क्या करना है, 2-3 ट्रांजेक्शन्स कर लेनी है यहाँ पे ईथर से। जैसे आप डाई टोकन ले लो या लिंक टोकन ले लो, फिर लिंक से आप दोबारा ईथर में आ जाओ, फिर लिंक, फिर ईथर से आप डाई में आ जाओ, ऐसे 3-4 ट्रांजेक्शन्स कर लेना, क्योंकि कुछ नहीं मालूम कि आने वाले टाइम पे क्या होगा, क्या इनकी क्राइटेरिया होगा फॉर एलिजिबिलिटी एयर ड्रॉप के लिए। तो बस यहाँ पे आपकी फ़ीस कुछ नहीं लगेगी, $1 या $2 के अराउंड या $10 मैक्सिमम लगेगी आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स की, क्योंकि लेयर टू पे फीस बहुत कम है, बहुत कम है। उसके बाद क्या करना है आपको, ऐसे ही आर्बिट्रम पे आना है, यहाँ पे ये इनका हो गया। आर्बिट्रम पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना ऑप्टिमिज्म की जगह मेन नेट सेलेक्ट कर लेना है, ऑप्टिमिज्म नहीं होना चाहिए, मेन नेट सेलेक्ट करोगे तो आपका लेयर वन यहाँ पे दिखाएगा। लेयर वन से आपको क्या करना है, सेलेक्ट करके लेयर टू पे सेम जैसे ऑप्टिमिज्म में आपने डाला वैसे ही ईथर को लेयर टू बैलेंस आर्बिट्रम में डालना है। आर्बिट्रम में डालने के बाद ऐसे ही 10 मिनट लगेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर यूनिस्वैप पे आना है। यूनिस्वैप पे आने के बाद यहाँ पे इथेरियम की जगह पे आर्बिट्रम ऐड करना है आपको, अप्रूव करोगे ये खुद ही ऐड कर लेगा। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, लिंक पे आएंगे, मैंने लिंक ले रखा है यहाँ पे, ईथर से मैंने क्या करा था, डाई लिया, फिर डाई से ईथर लिया, फिर ईथर से लिंक ले रखा है मैंने, ऐसे 2-3 ट्रांजेक्शन करके रखी हुई हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही 2-3 ट्रांजेक्शन आपको कर लेनी है। अब दोनों पे अब हमने पार्ट ले लिया है, ऑप्टिमिज्म पे भी हो गया, आर्बिट्रम ब्रिज पे भी हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, हम आएंगे हॉप एक्सचेंज पे। हॉप एक्सचेंज पे आने के बाद मैंने क्या करा है, यहाँ पे पूल पे आएंगे, पूल सॉरी कन्वर्ट पे आएंगे, कन्वर्ट पे आने के बाद मेरा जो ऑप्टिमिज्म में इथर पड़ा हुआ था
ऑप्टिमिज्म से ईथर को मैंने कन्वर्ट करा एच ईथ में। इसकी भी फीस लगेगी 1.5 से 2 डॉलर के अराउंड, बस इतनी फीस लगेगी। एच ईथ में कन्वर्ट करने के बाद, जैसे यहाँ पे आप मैक्स करोगे, मैक्स करने के बाद एच ईथ आ जाएगा, कन्वर्ट करोगे, पहले प्रूफ मांगेगा, 2 डॉलर उसके लगेंगे, 1.5 डॉलर इसका लगेगा कन्वर्ट करने का, ईथ हो जाएगा, एच ईथ हो गया। एच ईथ होने के बाद आपको आना पड़ेगा पूल पे, पूल पे आओगे, पूल पे यहाँ पे आपको एच ईथ शो कर जाएगा। एच ईथ जितना भी होगा उसको आप ऐड लिक्विडिटी पे चले जाओगे, ऐड लिक्विडिटी पे क्लिक करना, फिर आपकी 1 से 2 डॉलर फीस लगने वाली है। ऐड लिक्विडिटी पे आप करने के बाद आप, हो सकता है कि जो होप प्रोटोकॉल, जो इनका भी एयर ड्रॉप आए, हम इसके लिए भी एलिजिबल हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे भी एक दो ट्रांजेक्शन्स हो गई हैं, हमने कन्वर्ट भी कर दिया, पहले हमने कन्वर्ट कर दिया ईथर को एच ईथ में, फिर हमने लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम और हॉप एक्सचेंज तीनों पे हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स कर लिए हैं कि इन फ्यूचर जब भी इनका कोई एयर ड्रॉप आए तो हम उसके लिए एलिजिबल हो जाएं। तो इसके लिए आपको एक और चीज़ करनी होगी कि आप हमेशा जो भी एक्सचेंजेस पे या कहीं पे भी आप जो एयर ड्रॉप के लिए या कहीं पे भी आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, उनके ट्विटर हैंडल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, तो कि आप जो भी उनकी लेटेस्ट अपडेट हो आपको मिलती रहे। ये नीचे इनका दिया होता है ट्विटर हैंडल, ट्विटर हैंडल को आप मस्ट टू मस्ट है कि आप इनको ज्वाइन करें, नहीं तो हम तो वीडियो बना ही देते हैं, सम टाइम हम लेट भी हो जाते हैं, जब भी इनका ड्रॉप आएगा तो आपको पता चल जाएगा, तो आप एलिजिबल हुए हो या नहीं हुए हो, ये सिर्फ स्पेकुलेशन है। मैंने खुद ये ज्वाइन करे हैं तीनों के तीनों, तो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी अब आप पे है, आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। इन चारों एक्सचेंजेस के मैं लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, हो सके तो शेयर भी करना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। और अगर आप सिग्नल्स चाहते हो फ्यूचर ट्रेडिंग्स के, अगर आप 10, 20, 30, 50 डॉलर तक डेली अर्न करना चाहते हो, हाई लेवरेज नहीं लेते हो आप, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप चाहते हो कि आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग की, फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए जो भी मैं डेली करता हूँ उसमें आप भी अगर इन्वॉल्व होना चाहते हो तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, हो सके तो मेरे ट्विटर को भी जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, दोबारा मिलते हैं बहुत जल्द।